कोरोना संकट के चलते गत मार्च माह से बंद सिटी व जिले की शालाएं खुल रही है 4 जनवरी से। विधान भवन में सचिवालय के नए शुरू किए गए कक्ष का उद्घाटन 4 जनवरी को नाना पटोले, रामराज नाइक निंबालकर की उपस्थिति में किया गया। रविवार की शाम भगवान के दर्शन कर लौट रहे एक ऑटो को टिप्पर ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 ने गोपनीय जानकारी के आधार पर लालगंज परिसर में स्थित एक मकान में मारा छापा। बिजली ग्राहकों की सुविधा के लिए संत शिरोमणि कबीर बहुउद्देश्य संस्था पाटनकर चौक में बिजली बिल स्वीकार करने के नए सेंटर का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के हाथों किया गया। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 246 से अधिक हाई डेफिनेशन कैमरों की पूरी यूनिट की गई स्थापित। अश्ली पुलिस ने 2 नाबालिग चोरों को जाल बिछाकर किया गिरफ्तार। उनसे वाहन चोरी की 5 और मंदिर में चोरी की 2 वारदातों का हुआ खुलासा। कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शहर के वरिष्ठ पहलवानों को नागपुर नगर अखाड़ा संगठन समिति द्वारा किया गया सम्मानित। नागपुर एयरपोर्ट अब होगा और भी हाईटेक। टर्मिनल बिल्डिंग में सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की गई शुरुआत। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड परिवार ने अपने अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक राजीव रंजन मिश्र को भावभीनी कर दी विदाई।